आप देख लीजिए, हाथ नीचे करें या ऊपर करें, कि ये बिना दोरी का इस तरह का आप ब्लाउज बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमने स्पेशल डॉट लगाया उसके कारण ये अंदर की तरफ ऐसा शेप बनता है, तो यहाँ पर ये शोल्डर भी नहीं गिरेगा। आज हम कस्टमर का बॉडी पर से नाप लेकर वही नाप का ब्लाउज कटिंग करके फिर कस्टमर को वापस पहना के उसका रिजल्ट देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा हमने जो कटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर की बॉडी पर उनका रिजल्ट कैसे आया है। अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाना चाहिए वो भी हम सीखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कस्टमर की बॉडी पर ब्लाउज की लंबाई का नाप लेना है। ब्लाउज की लंबाई का नाप हम बैक साइड से लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट एपेक्स गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नाप आएगा वही मार्क से हमें ब्लाउज की लंबाई लेना होता है। तो पहले हमें एपेक्स का गैप नापना होगा। एपेक्स का गैप के लिए हमें कस्टमर को ही बोलना पड़ेगा। कस्टमर का एपेक्स गैप है 7 इंच, तो 7 का आधा होगा 3.5 इंच। 3.50 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है। यहाँ पर इस प्रकार से स्टिकर पट्टी आप लगा दीजिए और यही निशान से हमें ब्लाउज का लंबाई का माप लेना है। यहाँ पर शोल्डर का ये मिडल पार्ट से मेजरटेप रखते हुए आपको इस प्रकार से नाप लेना है। यहाँ पर कस्टमर की बॉडी पर ब्लाउज की लंबाई का नाप है 14 इंच। 14 इंच पर हमें यहाँ पर निशान कर देना है। अब इसी जगह पर इस तरह से इलास्टिक बांध देना है। अब ध्यान से समझे, ये कस्टमर की ब्लाउज की लंबाई का नाप है, तो यहाँ से फ्रंट पार्ट की लंबाई और साइड से भी इनकी लंबाई कितनी आनी चाहिए ये पूरा मेजर अपने आप आ जाता है। अब हमें यहाँ पर जो जो मेजरमेंट लिखा है उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप नाप लेना है। पहला नाप है शोल्डर का। उसके लिए कस्टमर की बॉडी पर पहले आप शोल्डर का एंड डिसाइड करें। अब देखें, इस प्रकार से स्टिकर पट्टी लगाने पर जो शोल्डर का एंड है वो यहाँ पर आ जाता है। पहले हमें फ्रंट शोल्डर का मेजर लेना है। यहाँ पर इसका मेजर 14 इंच है। अब हमें बैक शोल्डर का मेजर लेना है। यहाँ पर इस तरह से नाप लेते हुए कस्टमर का बैक शोल्डर का मेजर आ रहा है 15 इंच। अब पेज में आगे का नाप है शोल्डर स्लोप, तो इसके लिए कस्टमर की बॉडी पर अपर चेस्ट का मेजर लेना है 32.50। इनका अपर चेस्ट का मेजर है 32.50 डिवाइड 12 करने पर इसका नाप आएगा 2.70, यानी ये फोल्ड पार्ट में नाप आता है। गले का मिडल से ये नाप आता है। यहाँ पर आप स्टिकर पट्टी लगा दीजिए। अब यहीं से हमें शोल्डर स्लोप का मेजर करना है। इस तरह से आपको ये स्केल को रखना है और शोल्डर का एंड पर यहाँ पर मेजर करें। यहाँ पर इनका शोल्डर स्लोप का नाप आ रहा है 1.50 एंड 1 पॉइंट। इस शोल्डर स्लोप टूल से जो भी नाप आता है वही हमें नाप लेना होता है। पॉइंट टू पॉइंट नाप आएगा। अब आगे का नाप है चेस्ट राउंड, अपर चेस्ट और मेन चेस्ट। अपर चेस्ट का मेजर 32.5 इंच आ चुका है। अब हमें फुल बस्ट यानी मेन चेस्ट का नाप लेना है। यहाँ पर नाप आया है 32.5 इंच। अब इसके बाद का मेजर है अंडर बस्ट लेंथ। कस्टमर वही नाप लेकर देंगे। एपेक्स पॉइंट से अंडर बस्ट का लेंथ आया है 2.75 इंच। अब वहीं से हमें अंडर बस्ट राउंड का मेजर करना है 26.5। उसके बाद का मेजर है एपेक्स लेंथ और एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स लेंथ का नाप लेने के लिए सबसे पहले हमें एपेक्स डिस्टेंस का नाप लेना है। एपेक्स डिस्टेंस का नाप हमने पहले ले लिया है 7 इंच है। 7 का आधा 3.5 इंच है, तो वहीं से ही हमें एपेक्स का लेंथ का नाप लेना है। एपेक्स पॉइंट का नाप किधर है वो कस्टमर खुद बताते हैं। 10.50 इंच एपेक्स का लेंथ का नाप है। अब इसके बाद है ब्लाउज का लंबाई और वेस्ट राउंड। ब्लाउज का लंबाई पहले ही हमने यहाँ पर ले चुके हैं। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंच। वैसे ही फ्रंट पार्ट की लंबाई यहाँ से इस तरह से नापा जाएगा। कस्टमर यहाँ से हाथ रखकर वहाँ से समझाएंगे। फ्रंट पार्ट की ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच। ठीक वैसे साइड से भी इनका लेंथ का नाप लेना होता है। उनके लिए ये जो एल शेप स्केल है वो यहाँ पर आर्मोल के नीचे इसे रखते हुए आपको मेजर करना है। यहाँ पर इसका मेजर है 6.5 इंच। अब आप डिप नेक बनाएं, कॉलर नेक बनाएं, क्लोज नेक बनाएं, किसी भी प्रकार का ब्लाउज बनाएं, कस्टमर जब वेयर करेंगे तब इसका शोल्डर का एंड यहाँ पर होगा और उसके बाद उनका जो आर्मोल लेंथ है वो यहीं पर नीचे ही पूरा होगा।
तो आर्मर लेंथ जैसे पूरा होगा, उसके बाद साइड का जो लंबाई है वो हर किसी में एक ही जैसा होना जरूरी रहता है। अब डिप नेक हो तो उसकी साइड का पार्ट का लंबाई ज़्यादा बढ़ गया, जो साइड पार्ट का लंबाई है वो नीचे से नहीं वो ऊपर से बढ़ता है। ऊपर से बढ़ा तो यहाँ पर आर्मर की तरफ से यहाँ पर क्रीज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पार्ट बढ़ा है तो वहाँ पर क्रीज आना शुरू करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का ब्लाउज बनाओ, साइड पार्ट का लंबाई सभी में एक ही जैसा होना जरूरी रहता है। इसलिए बेसिक कटिंग में आप खुद कटिंग करते हैं तो देखें कि उसमें डिप नेक कटिंग करते हैं तो साइड पार्ट का लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉलर नेक कटिंग करते हैं तो यहाँ पर छोटा होता है, क्लोज नेक करते हैं तो थोड़ा और भी बड़ा रहता है। तो वैसे तीनों प्रकार में आपका खुद का बेसिक कटिंग अलग अलग प्रकार से बनता है, लेकिन कस्टमर का बॉडी तो यहाँ पर एक ही होता है। तो आप डिप नेक बनाओ, कॉलर नेक बनाओ या फिर क्लोज नेक बनाओ, साइड पार्ट का लंबाई तो उतना ही होना जरूरी रहता है। इसलिए हमने ब्लाउज कटिंग लेक्चर में सबसे पहले बेसिक बैक पार्ट और बेसिक फ्रंट पार्ट का कटिंग किया है, और उसी में से हम आपको डिप नेक कन्वर्ट करना समझा रहे हैं ताकि साइड पार्ट का जो एरिया है वो उतना ही रहे। डिप नेक हो तो भी वही रहे, कॉलर नेक है तो भी वही रहे, क्लोज नेक है तो भी वही रहे। अगर यहाँ पर ये 6.5 इंच आया है तो 6.5 से 6 इंच हो सकता है, 5.5 इंच हो सकता है, जैसे आर्मर का लंबाई नीचे की ओर डाउन करते जाएंगे वैसे। लेकिन ये जो 6.5 इंच नाप आया है उससे कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, जैसे 7 इंच 8 इंच वैसे नाप कभी भी नहीं आ सकता। कभी भी ब्लाउज की लंबाई का नाप ले तो साइड पार्ट से भी उनका नाप लेना जरूरी रहता है। अगर इस मेजर टेप को इस तरह से हम नापने जाए तो यहाँ पर हमें मेजर टेप से नापने में दिक्कत होता है, इसलिए यहाँ पर हमने एल स्केल को भी इसी प्रकार से बनाया है ताकि इस तरह का नाप भी लिया जा सके। इस तरह से आप नाप लेने की प्रैक्टिस करें। आर्मर लेंथ से जो ओरिजिनल मेजर आना चाहिए वो यहाँ पर खुद ब खुद आपको पता चल जाता है। अब हमें वेस्ट राउंड का मेजर लेना है। यहाँ पर आपको टाइट नाप लेना है, जैसे यहाँ पर नाप आया है 26 इंच। अगर कस्टमर चाहे और टाइट पहनना तो उसी हिसाब से हमें नाप लेना होता है, और कस्टमर थोड़ा लूज पहनना चाहते हैं तो उसी हिसाब से वेस्ट राउंड का नाप लिया जाता है। अब नेक्स्ट मेजर है बॉडी आर्मर राउंड। बॉडी आर्मर के लिए आपको हाथ को थोड़ा ऊपर करना है और उसके बाद शोल्डर का एंड का जो नाप है वहीं तक इसको मेजर करना है। बॉडी आर्मर लेने के लिए मेजर टेप को इस तरह से थोड़ा घिसना है और उसके बाद यहाँ पर नाप लेना है। इस तरह से नाप आने के बाद फिर कस्टमर का हाथ को नीचे की तरफ रखना है। यहाँ पर नाप आया है 15.50, 15.5 इंच। अब उसके बाद का मेजर है फ्रंट एक्रॉस और बैक एक्रॉस। आपको इलास्टिक पहनाकर नाप लेना है। यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक को नाप लेकर दो पार्ट कटिंग कर लीजिए और दोनों में गांठ लगाकर दोनों हाथों पर पहना दीजिए। अगर आप इलास्टिक से नाप ले रहे और इलास्टिक यहाँ पर बार बार उतर रहा हो तो आपको सेफ्टी पिन लगा देना चाहिए। इस तरह से सेफ्टी पिन का सपोर्ट से इलास्टिक नीचे की तरफ नहीं आएगा। इलास्टिक लगाने के बाद यहाँ पर कपड़े को इस तरह से आप खींच लीजिए। इस तरह से इलास्टिक सेट करने के बाद शोल्डर का मिडल पार्ट से एक्रॉस लेंथ का नाप लेना है। जैसे यहाँ पर हम 4.5 इंच नाप ले रहे तो 4.5 इंच से ही हमें यहाँ पर मेजर लेना है। यहाँ पर एक्रॉस फ्रंट का मेजर है 12.5 इंच और एक्रॉस बैक का मेजर 14.25 इंच। उसके बाद का मेजर है फ्रंट नेक और बैक नेक। नेक का ब्रॉडनेस का जो मेजर आता है वहीं से हमें फ्रंट नेक और बैक नेक का क्रॉस मेजर लेना है। जैसे यहाँ पर 7.50 मेजर है। अगर वही लाइन से आपको स्ट्रेट लेना है, इस तरह सीधा रखते हुए आपको यहाँ पर मेजर लेना है, जैसे ये 7 इंच है, ठीक उसी तरह बैक नेक का भी मेजर लेना है। नेक ब्रॉडनेस से नाप लेते हुए तरह क्रॉस में मेजर लीजिए, जैसे 10 इंच 11 इंच 12 इंच। अगर आपको स्ट्रेट मेजर लेना है तो इस तरह से मेजर टेप को रखें और यहाँ पर नाप लीजिए। जैसे यहाँ पर 11 इंच नेक बनाना हो तो वहीं से डिप नेक का कितना चौड़ाई रखना है इस तरह से आपको डिसाइड करना है। जैसे यहाँ से स्क्वेयर नेक बनाना हो तो स्क्वेयर नेक का यहाँ पर दोनों का कॉर्नर 7 इंच चाहिए तो ये मेजर आपको लिख देना होता है। जब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पर इसका एंड को स्टॉप करना है, और उसके बाद यहाँ से आप राउंड नेक इसके अंदर आप बनाए। जितना भी ब्रॉड बनाना हो तो पहले आप नेक ब्रॉडनेस से इसका मेजर करें। जैसे 8 इंच स्ट्रेट में है तो वहाँ से कितना ब्रॉड चाहिए वो पहले आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 8 इंच है, अगर 8 इंच से ब्रॉड बनाया तो पहनने के बाद और भी ज़्यादा ब्रॉड दिखेगा। किसी भी तरह का ब्रॉड नेक बनाना हो तो ये मेजर लिया जाना जरूरी रहता है। अब हम नेक्स्ट मेजर समझते हैं स्लीव लेंथ। यहाँ पर हमें ये कस्टमर का सिर्फ एल्बो स्लीव बनाना है तो
इस तरह से आप यहाँ पर ये स्टिकर पट्टी लगा दीजिए ताकि ये नाप कन्फर्म हो जाए कि एल्बो स्लीव यहीं तक पहनना है। शोल्डर का एंड से ये मेजर लेना है, 10.5 इंच है तो 10.5 इंच की लंबाई पर यहाँ से आर्म राउंड का मेजर लेना है। जैसे इस तरह से नाप लेने पर यहाँ पर 9 इंच है। अब कस्टमर का हाथ को फोल्ड कराना है। जैसे हाथ फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर 0.5 इंच नाप बढ़ गया है, 9.5 इंच। तो 10.5 पर 9.5 इंच इनका एल्बो स्लीव का मेजरमेंट है। लेकिन एल्बो स्लीव का मेजर लेना है तो उसके पहले मिड स्लीव का मेजर होता है। मिड स्लीव यानी हाथ को फोल्ड करते हुए जो नाप ज़्यादा बढ़ता है वो नाप लेना जरूरी रहता है ताकि कस्टमर हाथ का मूवमेंट ऊपर की तरफ करे तो यहाँ से टाइट ना हो जाए। जैसे 10.5 इंच है तो 10.5 का आधा होता है 5.25, उससे हमें 1 या 1.5 इंच नीचे मिड स्लीव का नाप लेना होता है। 5.25 है तो 5.25 से 1 इंच नीचे करे तो 6.25, 1.5 इंच नीचे करे तो 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर मिड स्लीव का मेजरमेंट लेना है। यहाँ पर इसका मेजरमेंट आया है 10.5 इंच। और उसके बाद जैसे हमें चाहिए उसके पहले का नाप शॉर्ट स्लीव, और वैसे भी शॉर्ट स्लीव का मेजरमेंट हमें कंपलसरी लेना होता है, मिनिमम 4.5 इंच से इसका मेजरमेंट लेना है। तो 4.5 इंच की लंबाई पर शॉर्ट स्लीव का आर्म राउंड है, अभी 11 इंच है तो हाथ को पहले फोल्ड कराइए। फोल्ड करने के बाद अगर वही नाप रहता है तो वही नाप को हमें लिख देना होता है। और उसके बाद का मेजरमेंट है नेक राउंड। नेक राउंड के लिए यहाँ पर नेक से इस प्रकार से नाप लेना है। जैसे इसका मेजरमेंट आया है 12.5 इंच, तो 12.5 इंच ये ओरिजिनल मेजरमेंट है, हमें +1 इंच करके इनको बनाना होता है, वो मेथड में यहाँ पर समझाया गया है। उसके बाद का नाप है ऑफ शोल्डर राउंड। ऑफ शोल्डर राउंड जहाँ पर लेना हो उसका यहाँ पर पहले लंबाई डिसाइड किया जाता है। जैसे 2.5 इंच से नाप लेना है तो 2.5 इंच पर आपको स्टिकर पट्टी लगा देना है, और फिर यही एरिया में हमें पूरा मेजरमेंट लेना होता है। जैसे यहाँ पर 39 इंच है। अब कस्टमर को हाथ का मूवमेंट कैसा चाहिए उतना आपको क्रॉस कराना है ताकि हाथ का थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर हो सके। इस तरह से हाथ को क्रॉस करने पर यहाँ पर 39.5 इंच इसका मेजरमेंट आ रहा है। अब यहाँ पर हमने जो जो नाप लिया है वही मेजर के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे और उसका कटिंग करके डीप नेक ब्लाउज बनाएंगे, फिर कस्टमर को वापस पहनाएंगे। उसके बाद क्या रिजल्ट आता है वो हमें समझना है। अब हमने ये जो कस्टमर का नाप लिया है यहाँ पर उसका नाप लिख दिया है 36 नंबर साइज में, जैसे हमने समझाया है उस तरह यहाँ पर बॉडी मेजर के बाद उसका डिवाइड प्लस जो भी करना है ये सब नाप यहाँ पर लिख दिया है। आर्मोर लंबाई भी जो चाहिए वो लिख दिया है। यहाँ पर हम डीप नेक बनाएंगे इसलिए अपर चेस्ट में और मेन चेस्ट में हम बिना लूजिंग का बनाएंगे, इसलिए उसके अनुसार यहाँ पर हमने ये मेथड बना लिया है। यहाँ पर हम बैक पार्ट में सिर्फ 2 इंच का पट्टी रेडी बने वैसे बनाएंगे। हम बैक पार्ट में हुक बनाएंगे इसलिए बैक पार्ट ओपन रखना है। सबसे पहले बेसिक बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग कटिंग करना है, उसके बाद फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट नंबर 2 उसके अनुसार डीप नेक बनाएंगे, और बैक पार्ट में नंबर 4 के अनुसार डीप नेक बनाएंगे। तो ये सब के बारे में हम अलग अलग लेक्चर में समझ चुके हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। पीछे की तरफ उकाई रखना है इसलिए यहाँ पर 0.25 इंच का मार्जिन का मार्क करना है। ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच प्लस 2 की है तो 16 पे कटिंग करना है। कमर का नाप 26 इंच है, उसका डिवाइड 4 करने पर 6.5 इंच नाप आएगा। यहाँ पर 0.75 इंच बैक टक्स का मार्जिन छोड़कर कमर राउंड का चौथा भाग का मार्क करना है। अब बैक पार्ट का टक्स का सेंटर मार्क करना है। मेन चेस्ट डिवाइड 8 करना है। बैक टक्स का अंतर के बारे में 32.5 का 8 भाग करने पर 4.06 यानी 4.1 पॉइंट नाप आएगा। यहाँ पर 0.75 टक्स का मार्क करें। शोल्डर का नाप 15 इंच है, उसका डिवाइड 2 करने पर 7.5 इंच रेडी, और 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क करेंगे तो 7.75 एंड 1 पॉइंट टोटल कटिंग करना है।
16 स्लोप 1.50 एंड 1 पॉइंट है। अब यहाँ पर नेक ब्रॉडनेस का मार्क करना है, बॉडी मप अपर चेस्ट का 12 भाग करना है, तो 32.5 का 12 भाग करने पर 2.70 यानी 2.50 एंड 1 पॉइंट नेक ब्रॉडनेस का मार्क आएगा। अब यहीं से 16 स्लोप का मार्क करना है। अब आर्मोर लंबाई के बारे में समझते हैं। बॉडी मप अपर चेस्ट 32.5 है, उसमें हम 0 इंच लूजिंग लगाएंगे तो 32.5 का डिवाइड 6 करने पर 5.41, उसमें प्लस 0.9 ऐड करना है तो 6.16 यानी 6/1 पॉइंट आर्मोर लंबाई का मार्क होगा। अपर चेस्ट का नाप 32.5 है, उसका डिवाइड 4 करने पर 8.12 यानी 8/1 पॉइंट नाप आएगा। मार्जिन का मार्क 1.5 इंच अलग से करना है। अब ये दोनों मार्क को मिलाकर एक मार्क करें। यहाँ पर 16 सिलाई का मार्क करें। एपेक्स का गैप 7 इंच और लंबाई 10.50 है। शोल्डर सिलाई से एपेक्स लंबाई का नाप लेना है 10.50। बैक पार्ट का टक्स पॉइंट भी यहां बनेगा। अब यहीं से हमें ये क्रॉस कटिंग करना है। फ्रंट एक्रॉस में जो 4.5 इंच पर 12.5 है, शोल्डर का सिलाई मार्क से 4.5 इंच पर मार्क करना है। फ्रंट एक्रॉस 12.5 है, उसका आधा 6.25 इंच रेडी और 0.25 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क अलग से करें। आर्म कर्व स्केल से पहले ये मार्क को ऐसे गोल मिलाना है। अब फॉर्मूला चार्ट के अनुसार ये नाप को चेक करना है। 32.5 के अनुसार 7/1 पॉइंट फ्रंट आर्मर राउंड का कटिंग मार्क होना चाहिए, तो इसको चेक करना है। यहाँ पर 7/1 पॉइंट है। बैक एक्रॉस का मेजर 4.5 पर 14.25 इंच है, उसका आधा करने पर 7/1 पॉइंट आएगा। ये रेडी और 0.25 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क अलग से। अब आर्म कर्व स्केल से ये मार्क को इसे मिलाकर मार्क करें। अब बॉडी आर्मर राउंड का नाप चेक करना है। बॉडी आर्मर राउंड 15.5 इंच है। 0.25 1 पॉइंट सिले का मार्क करके बॉडी आर्मर राउंड का नाप चेक करना है। शोल्डर की सिलाई से नापते हुए नापना है। यहाँ पर 7 इंच है। यहाँ पर 14.75 नाप आया है। हमें बॉडी आर्मर राउंड का नाप चाहिए 15.5 इंच। 0.5 इंच नाप यहाँ पर कम हो रहा है। जैसे अपर चेस्ट का नाप कम हो और शोल्डर का नाप ज़्यादा हो तब इस प्रकार का प्रॉब्लम हमेशा आता है। खास करके सिंगल बॉडी में इसी प्रकार से नाप आता है। यहाँ पर एक्रॉस का मेजर और आर्मर लंबाई का नाप सही हो तो हम यहाँ पर आर्मर लंबाई को 0.25 इंच बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उसके पहले का ये एक्रॉस मेजर और पहले वाली आर्मर लंबाई का नाप, ये सब सही होना ज़रूरी है। आपको पहले ये सारे नाप चेक करना होता है और उसके बाद ही लास्ट में हम आर्मर लंबाई को बढ़ा सकते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 0.25 इंच बढ़ा सकते हैं। पूरा नाप यहाँ से वापस करना है।
सबसे पहले कटिंग आर्मर राउंड को चेक करते हैं, तो ये नाप तो अब बढ़ चुका होगा, यहाँ पर 7.5 और 1 पॉइंट ये नाप बढ़ चुका है। तो पहले हम स्लीव क्रॉस चेक मेथड के अनुसार नाप को चेक करेंगे। साढ़े चार इंच की लंबाई पर 11 इंच आर्म राउंड का नाप है। ये केप हाइट का नाप, ये पर 5.5 और 1/2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा। अब यहाँ का नाप 7.5 और 1 पॉइंट नाप आया है, तो उसमें से 0.25 माइनस करने पर 7 और 1 पॉइंट आएगा। तो 7 और 1 पॉइंट नापते हैं तो ये यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बॉडी आर्मोल हमें मैनेज करना होता है, क्योंकि बॉडी आर्मोल राउंड टाइट हो गया तो फिर कस्टमर यहाँ से वेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर बॉडी आर्मोल के अनुसार ये नाप चेक करना है। ये 7.5 इंच, और ये यहाँ पर 15.5 इंच। अगर आपने बॉडी आर्मर राउंड नाप सही लिया है, लेकिन स्लीव क्रॉस चेक मेथड के अनुसार ये नाप थोड़ा क्रॉस आ रहा है तो कोई नहीं, लेकिन बॉडी आर्मर राउंड का नाप सबसे पहले मिलाना ज़रूरी है। जो बॉडी आर्मर राउंड का नाप 15.5 इंच आया है तो वहाँ पर हमें लूज नहीं करना है। तो जैसे डिपनेक लेक्चर में हमने समझाया कि अगर हम डिपनेक ब्लाउज बना रहे और बॉडी आर्मर राउंड का नाप कम आ रहा है, जैसे 0.25 कम आ रहा है, तो वो चलेगा, क्योंकि डिपनेक में बॉडी आर्मोर राउंड का नाप टाइट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बॉडी आर्मोर राउंड 15.5 अगर आता है तो भी चलेगा। तो ये सब के अनुसार हमें यहाँ पर मार्क करना होता है। अब हमें शोल्डर की तरफ ऊपर की तरफ 1/2 इंच बढ़ाकर कटिंग करना है। यहाँ पर इस तरह थोड़ा क्रॉस कटिंग करना होता है। यहाँ पर आपको चौरस कटिंग करना हो तो कर सकते हैं। अगर ये चौरस से ऊपर की तरफ ऐसा बढ़ता है तो उतना हम रख सकते हैं, लेकिन चौरस से नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो चौरस होना ज़रूरी है। इस तरह से ये पार्ट स्क्वायर होना चाहिए। जब डिपनेक बनाना हो तब यहाँ पर इसे टक्स लगाकर ऐसा 0.25 हम अंदर की तरफ माइनस करते थे, वैसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्लोज नेक बना रहे या कॉलर नेक बना रहे तभी यहाँ से शेप का कटिंग करना है। अब हमें साइड पार्ट की तरफ देखना है। बॉडी मेजर लेते वक्त हमने साइड पार्ट की लंबाई 6.5 इंच लिया था, तो यहाँ पर देखे ये सिलाई का मार्क, और यहाँ पर ये 6.5 इंच ये रेडी, और यहाँ पर और भी ये अभी बढ़ रहा है। लेकिन अभी हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना बाकी है। फ्रंट पार्ट में जब आर्मोल टक्स लगाएंगे तब उसके अनुसार बैक पार्ट की लंबाई नीचे से और कम हो जाएगी। तो जैसे हमने बॉडी मेजरमेंट लिया यहाँ साइड पार्ट से 6.5 इंच, तो वो लंबाई का नाप यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। बैक पार्ट में हुकाय का जो मार्जिन रखा है उसको ये पेपर से बाहर निकालना है। ये रेगुलर कटिंग मार्क, अपर चेस्ट राउंड का नाप, यहाँ पर फ्रंट एपेक्स पॉइंट का नाप, यहाँ पर इसका अंतर का मार्क करें, और यहाँ पर फ्रंट आर्मर राउंड का कटिंग मार्क का मार्क करें। यह रेगुलर कटिंग मार्क है। बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच बढ़ाया है तो फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच रिमूव करना है। तो यहाँ पर 1/2 इंच नीचे की तरफ
मार्क कर दे। फ्रंट पार्ट की लंबाई के लिए समझा गया है कि बॉडी मेजर मेन चेस्ट का 8 भाग करने पर जो नाप आएगा उससे कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उसका 8 भाग का नाप है 4 और 1 पॉइंट, तो 4 और 1 पॉइंट यहाँ अंदर की तरफ आ रहा है और मार्जिन भी अंदर की तरफ आ रहा है। तो हमें बैक पार्ट के अनुसार यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए लंबाई का नाप करना है। अब हमें यहाँ पर टोटल मेन चेस्ट राउंड का नाप मिलाना है। मेन चेस्ट राउंड का नाप है 32.5 इंच, हमें बिना लूजिंग का बनाना है। यहाँ पर 7.25 इंच नाप आया है, 7.25 को यहाँ पर रखे और 32.5 का आधा होता है 16.25 इंच, तो यहाँ पर उसका मार्क करें और ट्रेसिंग व्हील से मार्क करें। अब अपर चेस्ट और मेन चेस्ट का नाप को मिलाते हुए ये सीधा मार्क करें और मार्जिन के लिए हमेशा बैक पार्ट रखकर ही मार्क करें। यह बेसिक फ्रंट पार्ट का मार्किंग हो चुका है। अब हमें यहाँ पर पहले आर्मोल टक्स का प्रोसेस करना है। इक्रोस की लंबाई का यहाँ पर मार्क करें। यहाँ पर चौरस शेप का मार्क करना है। अब पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट नंबर 2 के अनुसार 1/2 इंच का टक्स लेना है, तो अपेक्स का पॉइंट भी 1/2 इंच नीचे लेना है और उसके बाद ही हमें आर्मोल टक्स का प्रोसेस करना है। अपेक्स पॉइंट को पहले से ही यहाँ पर 1/2 इंच नीचे ले लेते हैं। अब एक्रॉस लाइन से ये आर्मोल टक्स के लिए मार्क करना है। अपर चेस्ट का नाप हम 1 इंच तक टाइट ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ 0.25 इंच ही इतना टक्स लेना है। यहाँ जितना टक्स लेंगे उतना ही यहाँ पर माइनस करना है। अब यहाँ पर कमर का नाप चेक करें। कमर का 4th भाग का माप है 6.5 इंच, यहाँ पर 6.5 इंच और यहाँ पर टोटल 2.751 पॉइंट ये टक्स का विड्थ बन रहा है। पहले हमें यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। अब यहाँ से टोटल टक्स का विड्थ का मार्क कर रहे हैं। अब हमें अंडरबस्ट लंबाई का मार्क करना है। बॉडी मेजर लेते वक्त अंडरबस्ट लंबाई का नाप 2.75 इंच आया था, तो वही नाप हमें यहाँ पर लेना है। यहाँ पर हमें 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। एपेक्स पॉइंट से 0.25 इंच नीचे की तरफ एक छोटा सा मार्क करके पिंसेस शेप स्केल से मार्क करना है। अब एपेक्स पॉइंट से यहाँ तक लंबाई को नापना है। टोटल 5 और 1 पॉइंट नाप आया है, तो उतना ही नाप यहाँ पर आए वैसे मार्क करें। तो इस तरह यहाँ पर ये बेसिक फ्रंट पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आर्मोर टक्स का प्रोसेस करेंगे तब यहाँ से कटिंग होगा, तो 0.25 1 पॉइंट यहाँ पर मार्जिन जाएगा। तो साइड पार्ट की लंबाई हमें जो 6.5 इंच रेडी चाहिए तो वो यहाँ पर बन रही है और उसके बाद मार्जिन के लिए 0.25 1 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर हम टोटल 1 पॉइंट नाप बढ़ा सकते हैं।
तो ये मार्क आपको पहले से कर लेना है। अब हमें यहाँ नीचे से पूरा साइड से पूरा कटिंग करना है। आर्मोर डक्स का प्रोसेस बाकी है, इसलिए यहाँ से पहले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग कर लेना है और उसके बाद ही आर्मोर डक्स का प्रोसेस करना है। आर्मोर डक्स की प्रोसेस के बारे में लेक्चर नंबर 22 में हम समझ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए आपको वही लेक्चर को समझना होगा। फ्रंट पार्ट नंबर 2 के अनुसार एक्रॉस का मेजर हम 0.25 एंड 1 पॉइंट जितना कम कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ 0.25 कम करेंगे। ये पहले वाला मार्क है, उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करके कटिंग करना है। अब हमें यहाँ से नाप लेना है। फ्रंट आर्म राउंड का नाप जितना आया था उतना ही नाप यहाँ पर वापस करना है। 7.75 एंड 1 पॉइंट यहाँ पर नाप है, तो उतना ही नाप हमें यहाँ से नापना है। यहाँ पर 7.75 इंच नाप आ रहा है, हमें 1 पॉइंट और अंदर की तरफ कटिंग करना होगा। अब यहाँ पर 7.25 एंड 1 पॉइंट नाप आ गया है, इसको कटिंग करें। अब हमें यहाँ पर नेक का प्रोसेस करना है। शोल्डर का पार्ट हम 2.5 इंच रेडी रखेंगे। फ्रंट पार्ट का नेक 7.5 इंच है, यहाँ से 0.25 इंच छोड़कर यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करना है। हम यहाँ पर 1/2 इंच का टक्स लगाएंगे तो और भी ये नीचे की तरफ कटिंग होगा, इसलिए हमें फ्रंट पार्ट नंबर 2 के अनुसार ये कटिंग करना है। एक्रॉस मेजर से 1 इंच ऊपर की तरफ गले के लिए टक्स का मार्क करना है। अब यहाँ का शेप अनइवन हो चुका है, तो इसको थोड़ा अच्छा शेप करें। यहाँ पर 1 पॉइंट खुला है तो यहाँ ऊपर की तरफ 1 पॉइंट माइनस करना है। यहाँ फ्रंट पार्ट में गले की तरफ 0.25 इंच का टक्स लेना है, जो सर्कल बनेगा वहाँ पर 1 पॉइंट का मार्क करना है। तो पहले हम यहाँ पर ये नाप के अनुसार सर्कल बनाते हैं। अगर हमें फ्रंट पार्ट में हुकाई बनाना होता तो यहाँ गले की तरफ से कटिंग करना होता, लेकिन फ्रंट पार्ट पैक है इसलिए यहाँ से हमें टक्स लगाना है।
इस तरह दोनों टक्स पैक करने के बाद ही गले का कटिंग करना है। अगर आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो ऊपर की तरफ शोल्डर का जितना नाप है उतना ही नाप का मार्क यहाँ पर करना है। इस तरह आप गले की ब्रॉडनेस बढ़ा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस शेप बनाना है, तो प्रिंसेस कटिंग लेक्चर में समझाया वैसे ही आपको यहाँ पर प्रोसेस करना है। यहाँ सर्कल की तरफ 0.25 इंच स्पेशल टक्स बनाना है। अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में डिफरेंस नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर 0.25 इंच का स्पेशल टक्स बना सकते हैं। अगर ज़्यादा डिफरेंस आता है तो जैसे प्रिंसेस कटिंग लेक्चर में समझाया वैसे आप मेथड के अनुसार यहाँ पर मार्क करें। अब यहाँ पर छोटा सा कट कर दीजिए। अब यहाँ पर हुका की तरफ का टक्स बनाना है। मेन चेस्ट डिवाइड 20 माइनस आधा इंच करना है, 1.12 यानी एक और एक पॉइंट यहाँ पर टक्स का गैप रहेगा, और यहाँ पर आधा इंच का ये टक्स का चौड़ाई बनाना है। क्रॉस डॉट का चौड़ाई के लिए प्रिंसेस कटिंग का थियरी पेज में समझाया हुआ है। बॉडी मैप मेन चेस्ट और कमर का नाप में जितना अंतर का नाप आया हो उसका 5 भाग करना है। बॉडी मेजर मेन चेस्ट 32.5 है और कमर का नाप है 26 इंच, तो दोनों का नाप में 6.5 इंच का डिफरेंस है, तो 6.5 / 5 करना है। तो यहाँ पर 1.30 नाप आ रहा है, यानी आप 1.25 इंच का टक्स बना सकते हैं। सिलाई की तरफ 1.25 इंच रेडी आए वैसे आप टक्स का विड्थ एडजस्ट करें। टक्स का गैप के लिए बॉडी मैप मेन चेस्ट का 20वां भाग करना है, जो प्रिंसेस कटिंग का ड्राफ्टिंग पेज में सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कपड़े पर मार्किंग करेंगे तब यहाँ पर टक्स का शेप करेंगे। अब अस्तर पर इसका कटिंग करना है। यहाँ पर हम कप्स वाला ब्लाउज बनाएंगे, इसलिए फ्रंट पार्ट में 2 पार्ट कटिंग करना है। यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन का मार्क करके कटिंग करना है। जब भी चौक से इस प्रकार का मार्किंग करें तब अंदर की साइड से कटिंग करें, बाहर की तरफ से नहीं। यहाँ पर चौक का मार्किंग कटिंग हो जाना चाहिए, वैसे ही आपको कपड़े को कटिंग करना है। अब यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ाई आए वैसे एडजस्ट करना है। यहाँ टक्स का अंतर 32.50 मेन चेस्ट का
बीसवा भाग करना है, 1.62 आंसर आएगा, यानी 1.50 एंड 1. अब यहाँ 0.25 एंड 1 मार्जिन का मार करके कटिंग करना है। अब हमें बैक पार्ट में डिप नेक कन्वर्ट करना है। बैक पार्ट नंबर 4 के अनुसार हमें डिप नेक कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम स्पेशल लेक्चर बना चुके हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए आपको उसी में ही समझना होगा। यहाँ पर शोल्डर की तरफ से 1 इंच माइनस करना है, एक्रॉस मेजर भी 1 इंच माइनस करना है और मार्क करना है। फिर पीछे का आर्म राउंड जितना आया था उतना ही नाप करके यहाँ ऊपर से वापस कटिंग करना है। यहाँ से नापते हुए बैक आर्म होल का नाप चेक करना है, यहाँ 7 इंच है। अब ऊपर से 1 इंच माइनस करें, यहाँ 1 इंच माइनस करना है। आर्म कर्व स्केल से या गोलाई शेप का मार्क करें। तो यहाँ पर ये जो 7 इंच नाप आया था तो वापस यहीं से नापना है। अब 7 इंच के बाद यहाँ पर जितना बढ़ेगा उतना मैं ऊपर से कटिंग करना है। 1 इंच माइनस करते हैं तो यहाँ 1 इंच ही बढ़ता है। अब यहाँ से नापेंगे तो ये 7 इंच नाप आया है और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा मार्क करना है, यानी ऊपर से टोटल 1 इंच हमें कटिंग करना है। अब शोल्डर फोल्डिंग प्रोसेस के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है, यह सेम टू सेम कटिंग करना है। यहाँ पर पहले आधा इंच को फोल्ड कर देना है। अब यहाँ अपर चेस्ट का लाइन ड्रॉ करें। बैक पार्ट की साइड को फ्रंट पार्ट की जितना यहाँ पर रखना है। फ्रंट पार्ट में आर्मोल टक्स लगाने के बाद ऊपर से माइनस हुआ है तो बैक पार्ट में यहाँ नीचे की तरफ से हमें जितना बढ़ रहा है उतना माइनस करना है। अब यहाँ पर हमें दाईं शोल्डर रेडी चाहिए वैसे मार्क करना है, जो रेडी चाहिए वही यहाँ पर मार्क करें। यहाँ नीचे से हमें सिर्फ 2 इंच पार्ट रेडी चाहिए। बैक पार्ट का टक्स पॉइंट से ज़्यादा 1 इंच की दूरी पर ब्रॉड बनाएं। रेगुलरली आप 1.5 इंच का मार्क करके ब्रॉड बनाएं। और भी ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो बना सकते हैं। राउंड की शुरुआत यहाँ से हुई है तो यहाँ से अंदर की तरफ से कटिंग करना है।
ये पार्ट को ऊपर की तरफ ऐसे रखना है। यहाँ पर अपर चेस्ट की तरफ ये लाइन जब टच हो जाए तब यहाँ पर एक मार्क कर ले। बाहर की तरफ जितना पार्ट स्प्रेड हो रहा है उतना ही यहाँ अंदर की तरफ आएगा, यानी अब सिलाई यहाँ पर बनेगा और ये कटिंग हो जाएगा। अब यहाँ की तरफ जितना स्प्रेड हुआ है वो सब हमें कटिंग करना है। डिपनेक के बारे में अच्छा फिटिंग के लिए ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब इसको ओपन करें और यहाँ पर एडजस्ट करें। अब यहाँ से दाएं शोल्डर रेडी चाहिए उसका मार्क करें। यहाँ से 0.25 इंच कटिंग करना है। यहाँ से 1 इंच की दूरी पर इसको मार्क करना है। अब आधा इंच फोल्ड वाला पार्ट को ओपन करना है। अब मुख्य बैक पार्ट में यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ पर 0.25 इंच मार्जिन का मार्क करके कटिंग करना है। जब डिपनेक बनाना हो तब यहाँ पर आधा इंच की जगह 0.25 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर पीछे की तरफ 0.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तो फ्रंट पार्ट में भी आधा इंच की जगह 0.25 इंच कम करना होता है। अब सिलाई मार्क यहाँ बनेगा। तो इस तरह यहाँ फ्रंट पार्ट कटिंग होता है। अब हमें स्लीव कटिंग करना है। यहाँ पर एल्बो स्लीव बनाना है। 10.5 इंच लंबाई है और आर्म राउंड 9.5 इंच है। स्लीव कटिंग का लेक्चर में केप हाइट के बारे में डिटेल में समझ चुके हैं। थियोरी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करके बेसिक स्लीव कटिंग करना समझाया हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ पर मार्क करना है। स्लीव की कैप हाइट के लिए रेडी अपर चेस्ट का 10वां भाग करना है। 32.50 का 10वां भाग करने पर 3.25 इंच नाप आएगा। मुरी का नाप 9.5 इंच, 9.5 का आधा 4.5 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन अलग से। अब यहाँ पर ये आर्मर राउंड का जो कटिंग मार्क आया था 7.25 और 1 पॉइंट, उसमें से 0.25 माइनस करने पर 7 और 1 पॉइंट उतना मार्क करना है। साढ़े चार लंबाई पर आर्म राउंड 11 इंच है। पौने सात पर 10.5 इंच आर्म राउंड है। अब ये सभी मार्क को मिलाते हुए ऐसे मार्क करना है। 1.5 इंच मार्जिन का मार्क इस तरह से करना है।
यहाँ पर जितना नाप आया उसका पांचवा भाग करना है। 1.42 यहाँ पर मार्क करना है, आधा इंच अंदर की तरफ, यहाँ से पौना इंच ऊपर की तरफ मार्क करके स्लीव शेप स्केल से यहाँ पीछे कार्मल का शेप बनाए। जब डिपनेक ब्लाउज बनाना हो तब यहाँ ऊपर से आधा इंच नीचे फ्रंट आर्म राउंड का शेप बनाना है। यहाँ पे अच्छी तरह से गोलाई करना है, अब ट्रेसिंग व्हील से यहाँ मार्क करें, अब कटिंग करें। अगर आपको स्लीव में और भी अच्छा फिटिंग चाहिए तो कैप हाइट के लिए आपको आठवां भाग करके बनाना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा गोला शेप करना है। तो इस तरह स्लीव, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का कटिंग होता है। अब कपड़े पर कटिंग करना है। यहाँ पर इस तरह से आपको कपड़े पर अस्तर को रखना है। पतला वाला बॉर्डर हमेशा बैक पार्ट का होता है और जो बड़ा बॉर्डर होता है वो हमेशा स्लीव का होता है। यहाँ पर अस्तर में हमने इस प्रकार से शेप कटिंग किया है, इसलिए बॉर्डर की तरफ से इस तरह रखकर कटिंग नहीं किया जाएगा। बॉर्डर को कटिंग कर देना है और बैक पार्ट में टक्स लगने के बाद ये बॉर्डर ऊपर से लगाना होता है। थोड़ा बढ़ा के ही कटिंग करना है, एकदम फिक्स टू फिक्स कपड़ा कटिंग नहीं करना है। गले की तरफ से भी कटिंग करें तो भी एकदम फिक्स कटिंग नहीं करना है। यहाँ दोनों तरफ कपड़े पर जॉइंट आएगा। अब सभी पार्ट को फेविकोल से चिपकाना है। इस तरह ये दोनों उल्टा पार्ट यहाँ सामने सामने रख देना है और ये कपड़े पर पहले आयरन करना है। फिर अस्तर के दोनों पार्ट को सामने सामने रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट उठाना है और उतने ही पार्ट में फेविकोल लगाना है। फेविकोल ज़्यादा गिर जाए तो उंगलियों से साफ कर लीजिए। फेविकोल ऐसे लगाना है कि सिलाई करते वक्त वो अंदर की तरफ आ जाना चाहिए। इस तरह आधा आधा पार्ट उठाकर ही फेविकोल लगाए। अगर आपका फेविकोल यहाँ पे लग गया और आपने चिपकाया तो कपड़े पर दाग लग जाएगा, इसलिए जहाँ पर भी फेविकोल लगाए उसी तरह से लगाना होता है कि मार्जिन के अंदर ही ये आना चाहिए। ये फेविकोल लगाने से अब आपको यहाँ वापस ऊपर सिलाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट कटिंग ही कर देना होता है। फेविकोल लगाने से कपड़े के साथ अस्तर को अटैच करोगे तब एकदम अच्छा फिनिशिंग आएगा। इसी तरह सभी पार्ट में फेविकोल लगा देना है। आधा आधा इंच की दूरी पर फेविकोल लगाना होता है।
इस तरफ एक और लगने के बाद ये निकलेगा भी नहीं। जब कुछ डिजाइन वाला फैब्रिक हो या लाइनिंग वाला हो, चेक्स वाला हो, तब वो डिजाइन को अच्छी तरह से सेट करके यहाँ रखना होता है। उसके बाद ही आप अस्तर अटैच करें ताकि एक जैसा डिजाइन आए। हमेशा इसी तरह पहले सेट करें और उसके बाद ही फेविकोल लगा के इसको चिपकाए। बाजू के लिए ये दोनों सीधा पार्ट है, इसको ऐसे सीधा रखना है। ये नीचे की तरफ उल्टा पार्ट है। अब यहाँ इसका सेंटर मार्क करें। स्लीव में भी सेंटर की तरफ एक कट लगाए। अब अस्तर का ये जो लिखा हुआ ये उल्टा पार्ट है, ये उल्टा पार्ट को ये सीधा पार्ट की तरफ ये ऊपर ऐसे रखे। अब यहाँ पर स्टिच करेंगे तो ये सीधा पार्ट और यहाँ पर ये पलटी हो जाएगा तो ये उल्टा पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये सीधा और इस तरह यहाँ कवर भी हो जाएगा। हमेशा कभी भी दो पार्ट चिपकाना हो तब सामने सामने रख कर चिपकाए। जैसे यहाँ पर फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर भी फ्रंट पार्ट होना चाहिए। अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि दोनों बाजू एक ही हाथ का बन जाए, तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए तब हमेशा इस तरह से सामने सामने रख कर ही इसको अटैच करें। अब यहाँ पर सिलाई करना है और पलटी कर देना है। फिर उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब सभी पार्ट को फिक्स कटिंग कर लेना है। ये फिक्स कटिंग होने के बाद हम इसका सिलाई शुरू करेंगे। इस तरह यहाँ पर फिक्स कटिंग होने के बाद बैक पार्ट में हुकाई की पट्टी के लिए 2 इंच का पट्टी काटना है और आई पट्टी के लिए 3 इंच का पट्टी काटना है और कपड़े के साथ इसको चिपका देना है।
ये पार्ट में हुक बनेगा और ये पार्ट में आई बनाएंगे। और गले के लिए यह 1.5 इंच का क्रॉस पट्टी कटिंग करना है। ये 2 इंच वाली पट्टी को फोल्ड कर देना है। ये 3 इंच वाली पट्टी को चिपका देना है। यहाँ थोड़ा सेंटर में भी फेविकोल लगाए। बैक साइड में बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर को पहले आयरन से फिक्स करना है। इस तरह यहाँ बॉर्डर को फिक्स करना है। अब हम स्टिचिंग करना शुरू करेंगे। पहले बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। पहले टक्स को लगाना है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिलाई करना है। इधर से आके तुरंत यहाँ पॉइंट बनाकर धारी का सिलाई लगाकर यहाँ से निकलना है, ताकि यहाँ टक्स पॉइंट पर एक अच्छा फिनिशिंग आ सके। टक्स का मार्जिन हमें साइड पार्ट की तरफ करना है। ये पार्ट में हुक पट्टी लगाएंगे। 0.25 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करना है। यहाँ पर ऐसे डबल पट्टी होना चाहिए। अब यहाँ धारी का सिलाई लगाए। अगर आपको हाथ सिलाई करना है तो हाथ सिलाई रख सकते हैं। मशीन का सिलाई करना है तो भी करें। यहाँ मशीन का सिलाई कर देंगे। अब यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग करें। अब ये पार्ट में आई पट्टी बनाएंगे। यहाँ सीधे की तरफ ये सिलाई करना है। यहाँ पर हमें धारी का सिलाई नहीं करना है। 0.25 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करना है, जैसे कि ये मार्जिन दब जाए ऐसे। इस तरह सिलाई करना है। अब यहाँ पर 0.25 1 पॉइंट इतना मार्जिन लेकर यहाँ 0.25 इंच का सिलाई करें। अब ये जो सिलाई आई है वहाँ से थोड़ा 1 पॉइंट जितना ये बाहर निकालना है, यानी ये अपनी ओर अंदर की तरफ करना है। और ऐसे आप प्रेस करके फिर हमें यहाँ पर इसकी खांच में सिलाई करना है। ये ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर उसके बाजू में एकदम अंदर की तरफ सिलाई होनी चाहिए। उस तरह से यहाँ नीचे वाला कपड़े को इतना बाहर निकालना है, जैसे यहाँ हम एडजस्ट कर रहे हैं।
और फिर वहाँ पर धारी का सिलाई लगाए ताकि नीचे वाले कपड़े में भी सिलाई लग जाए। ध्यान रहे यहाँ का पट्टी में इस तरह उरेब नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से फिनिशिंग आए वैसे ही आपको एडजस्ट करना है। देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ सिलाई है, ये ऊपर वाले कपड़े पर सिलाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ नीचे में धारी का सिलाई लग चुका है, अब यहाँ फिनिशिंग से कटिंग करें। ये दोनों पार्ट एक जैसा होना जरूरी है, इस तरह यहाँ मिलाकर चेक करें। अब हमें नीचे की तरफ बॉर्डर पट्टी लगाना है। अब आप देखें यहाँ का शेप गोल है और ये बॉर्डर पट्टी ये सीधा है। यहाँ ऊपर की तरफ एक सोच लगाना है, ऊपर वाला धागा पहले निकाल देना है। अब यहाँ पीछे उंगली रखें और मशीन को चलाएं। इस तरह यहाँ पर ये कपड़े में क्रीज होगा। देखिए यहाँ का पार्ट इस तरह थोड़ा गोल हो जाएगा। अब सुई में धागा लगा दीजिए। जैसे ये गोल वाला पार्ट है उसको ऐसे रखना है और यहाँ पर सिलाई करना है। 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्जिन का मार्क लेकर सिलाई करना है। ये बॉर्डर में हमने क्रीज बनाया है इसलिए बॉर्डर को खींचना नहीं है, उसको अपने हाथों से अंदर की तरफ कपड़े को रखते हुए सिलाई करना है। यहाँ दोनों तरफ थोड़ा मार्जिन होना जरूरी है। अब हमें यहाँ पर आयरन कर देना है। इस तरह यहाँ पहले से आयरन करना है। बॉर्डर का ये पॉइंट ये ब्लाउज का मार्जिन है उसके ऊपर ऐसे होना चाहिए ताकि यहाँ पर सिलाई करेंगे तो एक अच्छा फिनिशिंग आएगा। अगर इस तरह अलग अलग ऐसे रखेंगे तो कभी यहाँ से ऐसे बाहर निकलने का प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ये मार्जिन को कवर करते हुए ही यहाँ सिलाई करना है। देखिए इस तरह यहाँ पर फिनिशिंग होना जरूरी है। Thank you.
रुके पट्टी लगने के बाद ही गले का फिनिशिंग करना चाहिए। यहाँ पर ये जो सीधा पार्ट है वहाँ तक ऐसे ही सिलाई वाला सोच लगाना है। सिर्फ सीधा पार्ट में ही करना है, नीचे गोल में नहीं करना है। इस तरह पहले से ऐसे सिलाई करने पर आपको उरेप पट्टी खींच के लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ शोल्डर की तरफ से ढीला ना हो इसलिए ये प्रोसेस करना जरूरी रहता है। यहाँ बॉर्डर लगाइए है तो ये दोनों पार्ट यहाँ एक जैसा होना जरूरी है ताकि उकाई लगने के बाद बॉर्डर का लेवल एक ही जैसा दिखे। अब ये क्रॉस पट्टी को इसे डबल फोल्ड करना है। अब ये क्रॉस पट्टी को खींचने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ गोल पार्ट आता है वहाँ पर ये पट्टी को इस तरह आप गोल करते जाइए। जैसा गला है वैसा ही पट्टी को एडजस्ट करना है। तो देखिए इस तरह से फिनिशिंग रहेगा। अब यहाँ की तरफ कट करना है, सिलाई कटिंग ना हो वहाँ तक कट कर दिए। यहाँ सीधे में कट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ये क्रॉस पट्टी के ऊपर धारी का सिलाई करना है। अब यहाँ पर इस तरह डायरेक्टली सिलाई नहीं करना है, पहले आयरन से इसको अच्छे तरह से फिनिशिंग करना है और उसके बाद ही यहाँ पर आप मशीन का सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ का मार्जिन इस तरह से रखें। वो यहाँ पर इस तरह से ये गला बनेगा। मशीन का सिलाई करते वक्त भी यहाँ पीछे की तरफ आपको हाथ रखना है। अगर आपको यहाँ इस तरह से बड़ा पट्टी नहीं चाहिए तो आपको 1.25 इंच का क्रॉस पट्टी कटिंग करना है, जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का पट्टी कटिंग किया था, क्योंकि यहाँ बाहर की तरफ 0.25 इंच का ही ये सिलाई होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा सिलाई नहीं होना चाहिए। यह बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें स्लीव का सिलाई करना है। बाजू का किनारी है
उतना ही मार्जिन यहाँ पर लेना है। अब अस्तर को इस तरह प्रेस करें और अस्तर के ऊपर धारी का सिलाई लगाएं। अब यहां पर 0.25 इंच का सिलाई लगाएं। यहाँ पर आप ये सिलाई ना लगे तो भी चलेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहनने के बाद यहाँ से अस्तर बाहर की तरफ निकल आता है, क्योंकि वॉश होने के बाद कपड़ा स्विंग हो जाता है, उसके कारण लाइनर भी बाहर दिखता है। तो ऐसा प्रॉब्लम ना है, इसलिए यहाँ पर आप 0.25 इंच का सिलाई लगाए। फेविकोल से स्टिक करके यहाँ पर जॉइंट करना होता है। अब यहाँ पर जितना जॉइंट करना है उस हिसाब से कपड़े को कटिंग करें। अब मशीन की सिलाई से डायरेक्ट जॉइंट करना है। इस तरह यहाँ बाजू में हर जगह जॉइंट करना है। अब फ्रंट पार्ट का सिलाई करते हैं। पहले अस्तर में ये प्रिंसेस पार्ट को जॉइंट करना है। ये मार्किंग वाला दोनों पार्ट सिलाई करने के बाद ऐसा होना चाहिए। ये दोनों कट मिलना बहुत जरूरी है। इस तरह यहाँ कट टू कट सिलाई होनी चाहिए। दोनों तरफ एक ही जैसा मार्जिन होना चाहिए। ये दोनों कट मैच होना चाहिए। यहां पर कोई भी कपड़े को खींचना नहीं है। तरह सिलाई अच्छे से करें। अब इसका मार्जिन यहाँ अंदर की तरफ रखना है और मेन कपड़े में इधर की तरफ, और यहाँ पर इस तरह मार्जिन को रखते हुए यहाँ धारी का सिलाई कर दे।
तरह सिलाई करने पर यहाँ अच्छा फिनिशिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इसी तरह सिलाई करना है। पहले अपने हाथों से इसे प्रेस कर ले और उसके बाद ही सिलाई लगाए ताकि अच्छा फिनिशिंग आए। अब साइड डॉट और मिडल डॉट का सिलाई करना है। यही पॉइंट से वापस यहाँ धारी का सिलाई करना है। इस तरह टक्स का सिलाई करें ताकि कभी भी आपने लॉक लगाया हो और लॉक निकल गया हो तो यहाँ से सिलाई निकल जाती है, तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए इसलिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई करने के बाद यहाँ धारी से वापस निकल जाना है ताकि यहाँ की तरफ एक अच्छा फिनिशिंग आए, ज़्यादा पॉइंट निकल ना आए। यहाँ मिडल में सिलाई लगाए। अस्तर पतला होता है इसलिए हल्के हाथों से ही सिलाई लगाए, कहीं पर भी अस्तर को खींचना नहीं है। यहाँ पर ये सेंटर पार्ट मिलाए और उसके बाद ही सिलाई करें ताकि टेढ़ा मेढ़ा सिलाई ना हो। अब यहाँ पर अच्छा पफ बन जाएगा। अब जहाँ पर यह मिडल पार्ट का एपेक्स पॉइंट का नाप है वहाँ पर ऐसे निशान लगाए। और यहाँ सीधी तरफ भी निशान लगाए। और कप्स को हमें इस तरह से लगाना है जैसा कप से इसी तरह से रहना चाहिए, यहाँ पर सिलाई लगाना है। इसलिए यहाँ अंदर की तरफ ये टक्स का सेंटर करके ये मार्क करें। नीचे की तरफ ये दोनों मार्क को मिलाते हुए सिलाई करना है। इस तरह यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई करना है। यहाँ सिलाई हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप अपने हाथों से भी यहाँ हाथ सिलाई करके आप कप्स को अटैच कर सकते हैं। इस तरह यहाँ मैच करें। तरह लाइनर में कप्स को अटैच करना है। अब हमें मुख्य पार्ट में प्रिंसेस पार्ट जॉइंट करके क्रॉस टक्स और मिडल टक्स की सिलाई करना है। यह दोनों कट मैच होना जरूरी है।
अब मेन कपड़े का यह जॉइंट यहाँ मिडल पार्ट की तरफ रखना है। इस तरह से जॉइंट होना चाहिए। यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें आयरन करके फिनिशिंग करना है। पहले अपने हाथों से थोड़ा फिनिशिंग करें। क्रॉस टक्स का मार्जिन नीचे की तरफ रखें। मिडल टक्स वाला मार्जिन भी नीचे की तरफ रखें। अब यहां पर सामने सामने इस तरह पार्ट रखना है। 0.25 एंड 1 पॉइंट का मार्जिन लेकर यहाँ सिलाई करना है। दोनों का जॉइंट एक ही जगह होना चाहिए, ये मैच होना जरूरी है। अब यहाँ अस्तर के ऊपर यहाँ धारी का सिलाई करना है। इस तरह कवर करने पर कई बार अंदर का लाइनिंग बाहर की तरफ ऐसे निकल जाता है, तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए इसलिए यहाँ पर आप 0.25 इंच का मार्जिन का सिलाई करें। अब यहाँ पर हर जगह एक जैसा ये पार्ट मिले वैसे सिलाई करना है। आप चाहे तो फेविकोल से भी चिपका सकते हैं। यहाँ दोनों का जॉइंट एक ही जगह मिलना जरूरी है। यहाँ दोनों अस्तर एक जैसा फिक्स कटिंग किया है, इसलिए यहाँ पर जोड़ते वक्त कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ दोनों का सेंटर मार्क मिलना ज़रूरी है।
अब हमें फ्रंट नेक में क्रॉस पट्टी से स्टिच करना है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर हमें इस तरह पीछे हाथ रखकर इसे स्टिच करना है ताकि गले में इस तरह क्रीज बने। इसमें हमें मशीन का सिलाई लगाकर स्टिच करना है। इस तरह पहले से स्टिच करने पर क्रॉस पट्टी लगाते हैं तब हमें क्रॉस पट्टी को खींचकर सिलाई करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अब क्रॉस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके 0.25 इंच का मार्जिन का सिलाई करके जैसा गोल गला हो उसी तरह पट्टी को ऐसे एडजस्ट करें। अब यहाँ कट लगाए। अब ये पट्टी में धारी का सिलाई लगाए। धारी का सिलाई लगाए तब नीचे वाला कपड़े का मार्जिन इस तरफ होना जरूरी है। अब यहाँ आयरन कर दे। गले को इस तरह अंदर की तरफ रखते हुए आयरन करना चाहिए। यहाँ पर इस तरह फैलाते हुए आयरन नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह फैलाते हुए आपने आयरन कर दिया तो गला वैसे बाहर की तरफ ऐसा फैला हुआ बन जाएगा। गले का जैसा शेप कटिंग किया हो उसी तरह से आयरन करना जरूरी है। इस तरह यहाँ पर आयरन करना है ताकि कप्स वाला पार्ट यहाँ पर एक उभार की तरह रहे। अब हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन का सिलाई करना है। यहाँ पर दो सिलाई करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद आर्मोल की तरफ आपको देखना है कि यहाँ पर इस तरह से कभी भी कोना नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कोना है तो समझ लेना चाहिए कि ये शोल्डर की तरफ से प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर स्लीव अटैच करना है। यहाँ साइड पार्ट की सिलाई का कट और स्लीव का कट ये दोनों मैच होना जरूरी है। 0.25 1 पॉइंट का मार्जिन का सिलाई करना है। स्लीव को इस तरह अपने हाथों में पकड़ लीजिए और नीचे वाला पार्ट या ऊपर वाला स्लीव को खींचना नहीं है, जैसा गोलाई हो वैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पर थोड़ा बाकी रहे तभी उस टाइम पे आपको नाप लेना है कि कट टू कट मिल रहा है या नहीं।
यहाँ पर डबल सिलाई करना है। शोल्डर का जॉइंट पीछे की तरफ रखना है। यहाँ कहीं पर भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। अब हमें साइड स्टिच करना है। यहाँ पर आप पहले से इंटरलॉक कर सकते हैं और बाद में भी करें। 26 इंच कमर का नाप है। यहाँ दोनों का जॉइंट नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। नीचे की तरफ रख के यहाँ पर आपको कट कर देना है। जब हम स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तब यहाँ पर क्रॉस पट्टी लगाते हैं, तब उसका मार्जिन यहाँ नीचे की तरफ इस तरह से होता है, तभी आर्मोल की तरफ से एक अच्छा फिनिशिंग आता है। सेम वैसे ही यहाँ पर आपको स्लीव भी लगाना है, तब भी इसका मार्जिन नीचे की तरफ रखना है ताकि यहाँ आर्मोल की तरफ अच्छा फिनिशिंग आ सके। इस तरह यहाँ दोनों तरफ यहाँ गोलाई में आपको ऐसे कट कर देना है और दोनों का मार्जिन इस तरह नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। और यहाँ पर सिलाई करते वक्त दोनों का जॉइंट एक साथ मिलना ज़रूरी है। स्लीव का आर्म राउंड 9.5 इंच है तो यहाँ पर चेक करें और उसी तरह यहाँ मार्किंग करना है, क्योंकि कई बार हम यहाँ पर पाइपिंग लगाते हैं तो उसके कारण यहाँ का नाप कम हो जाता है। इसलिए कभी भी सिलाई करें तब उस टाइम पे हर नाप को चेक करके ही सिलाई करना ज़रूरी है। इस तरह यहाँ जॉइंट जॉइंट मिलेगा। यहाँ से देखें दोनों का मार्जिन नीचे की तरफ रखें। अब यहाँ की तरफ कट करना है। यहाँ नीचे की तरफ मार्जिन रखने पर और इस तरह कट करने पर हमारा हाथ का मूवमेंट जब नीचे की तरफ जाता है तब आर्मोल की तरफ क्रीज नहीं आएगी। अगर यहाँ पर मार्जिन इस तरह से आपने रखा है तो हमारा हाथ का मूवमेंट नीचे की तरफ आता है तो ये मार्जिन भी नीचे की तरफ ऐसे खींचता है, उसके कारण यहाँ पर क्रीज आना शुरू होता है। क्रीज आने की कई सारी वजह होती है तो उसमें से एक वजह यह भी है। अब यहाँ पर और भी 2 सिलाई एक्स्ट्रा करना होता है।
आप चाहे कितनी भी सिलाई लगाओ, लेकिन यहाँ पर दोनों का जॉइंट मैच होना जरूरी है। इस तरह 0.25 का मार्जिन का यहाँ सिलाई करना है। जॉइंट के ऊपर सिलाई नहीं करना है, यहाँ पर हमें हाथ सिलाई करना है। अगर आपको यहाँ पर तुरपाई यानी हाथ सिलाई रखना है तो रख सकते हैं। यहाँ पर हम मशीन का सिलाई करते हैं। मशीन का सिलाई करना हो तब यहाँ पीछे की तरफ अपने हाथ को रखना है और 0.25 का मार्जिन का सिलाई करना है। ये सिलाई आप पहले भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बाद में किया है। अब यहाँ पर ब्लाउज का पूरा सिलाई हो चुका है। अब यहाँ पर हुकाई करना है। यहाँ पर टोटल 3 हुक करना है। यहाँ पर हुकाई के लिए ये जो गैप है वो 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग 1.5 इंच का अंतर से हुकाई बनाते हैं, उसके कारण पहनते वक्त यहाँ से ऐसे ओपन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 इंच का अंतर से हुकाई बनाएंगे तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आता है। जितना नज़दीक हुकाई बनाएंगे उतना ही फिनिशिंग अच्छा आता है। सुई में टोटल 4 धागा रखना है। आई बनाए तब 0.25 इंच से ज़्यादा गैप रखकर आई नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आई बहुत लंबा हो जाएगा। सुई को इस तरह उल्टा रखना है और उसके बाद ये धागा यहाँ नीचे की तरफ से इसे लाकर सुई को खींच लेना है ताकि यहाँ पर अच्छी तरह से आई बने। इस तरह यहाँ पर छोटी छोटी आई बनाना है, क्योंकि हुक को पसार होने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह चाहिए होती है। और आप यहाँ पर बहुत लंबी आई बना देंगे, जितना लंबा आई होगा तो यहाँ और भी ज़्यादा ऐसे लूज हो जाएगा। जितनी छोटी आई होगी उतना ही यह फिट होगा, यहाँ से ये बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर हुकाई का अंतर भी कम होना चाहिए और जो आई बनाओगे वो भी यहाँ पर 0.25 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप उससे भी कम बना सकते हैं तो बनाएं, लेकिन उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हुक भी जब सिलाई करना हो तब यहाँ से 1 पॉइंट का गैप रखें। यहाँ पर आप जो सिलाई करोगे तो ये सिलाई का टाका यहाँ पर दिखेगा तो चलेगा। कई लोग सिर्फ ऊपर ऊपर सिलाई करते हैं तो पहनने के बाद यहाँ ऊपर वाला कपड़ा इस तरह से हो जाता है, उसके कारण हुक भी यहाँ बाहर की तरफ आ जाता है। इसलिए यहाँ का जो सिलाई लगाओ तो उसका टाका भले ही यहाँ बाहर की तरफ निकले तो चलेगा, जैसे इस तरह आपने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पर गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम बारीकी से यहाँ पास में गैप होना चाहिए। इस तरह यहाँ पर अंदर की तरफ गैप होना चाहिए ताकि यहाँ पर जब आप आई के साथ हुक को अटैच करो तब यहाँ से हुक बाहर नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी खींचेगा लेकिन हुक बाहर नहीं आएगा। इस तरह हुक का फिनिशिंग करना है। अब यहाँ शोल्डर की तरफ ये जॉइंट को सिलाई करना है। आयरन करने से पहले स्लीव लगाया उसका मार्जिन की तरफ इसे कट कर देना है। अब इसका मार्जिन पीछे की तरफ रहे वैसे आयरन करना है।
अब कस्टमर को यह ब्लाउज पहना कर हमें चेक करना है कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। अब यहाँ गले की तरफ देखें, जिस तरह से हमने ब्रॉड कटिंग किया तो ये काफी सारा ब्रॉड है। अगर हमने और भी ज्यादा ब्रॉड कटिंग किया रहता तो ये यहाँ से कटिंग होता। और जैसे हमने हुकाई के बारे में समझाया कि इसका गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप यहाँ 1.5 इंच का गैप रखेंगे तो ये पार्ट और भी उठ जाएगा। जितना हो सके यहाँ पर कम गैप रखना चाहिए होता है। जो हमने सोलर फोनिंग प्रोसेस के अनुसार ये बनाया है तो यहाँ पर ये सोलर भी नहीं गिरेगा और गले की तरफ भी यहाँ बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। और जिन लोगों को ये लंबाई के बारे में जो इश्यू था तो वो देख ले कि यहाँ लंबाई भी उसी जगह पर रहेगी। हमने लंबाई यहाँ से लिया हुआ था। अगर यहाँ से सोलर पार्ट से अगर आप नापेंगे तो इसकी लंबाई अलग होती है और यहाँ की लंबाई अलग होती है, लेकिन साइड पार्ट की तरफ जो 6.5 इंच लंबाई थी वो तो वहीं का वहीं रहेगा। इसके कारण यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट का ब्लाउज का लंबाई एक ही जैसा अच्छी तरह से फिनिशिंग से बनता है। यहाँ पर भी काफी सारे लोगों को फिटिंग में इश्यू रहता है, यहाँ पर जोर आता है, वैसी कोई भी क्रीज इधर नहीं आएगी। और स्लीव की तरफ देखें तो स्लीव के लिए हमने स्पेशली बताया है कि स्लीव का केप हाइट के कारण ये क्रीज तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो हम स्लीव कटिंग करते हैं तो ये हाथ की स्लीव कटिंग होती है, ये क्रॉस हाथ की। इसके कारण जैसे हाथ नीचे की तरफ जाएगा तो ये तो क्रीज आना ही है। अगर ये दूर करना है तो आपको स्लीव का केप हाइट बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये क्रीज दूर होगी। सबसे मेन फिटिंग यहाँ पर ये है कि ये बिना दोरी का इस तरह का आप ब्लाउज बना सकते हैं। अब इस तरह आकर के देखें, यहाँ पर जो हमने स्पेशल डॉट लगाया उसके कारण ये अंदर की तरफ ऐसा शेप बनता है और नीचे की तरफ हमने जो राउंड शेप देकर कटिंग किया है एक बेल्ट पार्ट की तरह, तो यहाँ पर इस तरह का अच्छा फिटिंग आएगा। और जो बीच में टक्स लगता है तो अंदर की तरफ से ऐसा फिनिशिंग आता है। आप देख लीजिए, हाथ नीचे करें या ऊपर करें। तो इसी तरह से हमें हर एक्सप्लेन लेक्चर में मेजरमेंट लेकर कटिंग करना है और समझना है। आपको भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज का ही आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।